नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाखी महोत्सव हम हर वर्ष 2008 से लगातार मनाते आ रहे हैं और इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है या जो हमारी इच्छा शक्ति है उसके मूल में है देश में इन दिनों व्याप्त एक संक्रमण का माहौल, और वो संक्रमण का माहौल एक गहरी निराशा में बदलता जा रहा है। हमारा ये मानना है मित्रों कि इस निराशा के मार्ग से ही कहीं ना कहीं रोशनी दिखाई देगी, इसलिए हम पाखी महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ होप, एक उल्लास का त्यौहार के रूप में मनाने जा रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष का पाखी महोत्सव 14 और 15 नवंबर को इंदिरा गांधी कला केंद्र नोएडा में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ हम हिंदी साहित्य में विभिन्न प्रकार की विधाओं पर, विभिन्न प्रकार की धाराओं पर चर्चा करेंगे, और उसके साथ ही कुछ ऐसे विषयों को हम चुन रहे हैं जिन पर बातचीत होनी, जिन पर चिंतन होना और जिन पर व्यापक सोच बननी बहुत आवश्यक है। बाकी एक साहित्यिक पत्रिका है, जब मैंने लिखना शुरू किया और कम से कम 4-5 कॉलम में लिख चुका हूँ, मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। खास करके पाठक वर्ग की दृष्टि से जिस तरह से मुझे टेलीफोन आए लोगों के और प्रतिक्रियाएं मिली पाठकों की, तो मुझे लगा कि वाकई पाखी जो है वो पाठकों तक पहुंचती है और लोग पढ़ते हैं। ऐसी पत्रिका है, मैं खुद कॉलम लिखने से पहले भी पाखी पढ़ता रहा हूँ और साहित्य की एक अच्छी पत्रिका है। मेरा तो अनुभव उसके बारे में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत मेरी मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपूर्व जोशी को भी और पाखी को भी, कि वो दिन दिन ऐसे ही उड़े, ऐसे ही बढ़े। तो भविष्य का भारत, आशंकाएं और उम्मीदें, इस विषय पर भी हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर के दिग्गज और वो अपने विचार रखेंगे। साथ ही हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम इस महोत्सव के जरिए कुछ ऐसा दे सकें, कुछ ऐसा विचार पैदा कर सकें जिससे कि आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं कोई उजाले की किरण बाकी रह सके। आपसे अनुरोध है, हृदय से अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि आप सब 14 और 15 नवंबर को इस कार्यक्रम में अवश्य आएं इंदिरा गांधी कला केंद्र नोएडा में।